सो गाइस आज हम जो है CSS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ना। तो CSS की फुल फॉर्म होती है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली आप जब HTML में काम करते हो तो आप कुछ कुछ आप एक तरह से रॉ एलिमेंट बना रहे हो, राइट? रॉ मतलब बिल्कुल प्लेन एलिमेंट, सादा सिंपल। आप टैग डालोगे और कुछ आपको दिखेगा, लेकिन उसको स्टाइल करना, उसमें कुछ कलर डालना, उसमें चीज़ों को सही जगह पे रखना, उस तरह के जो काम है, लेआउटिंग, पेज कैसे लेआउट दिखेगा, या कोई डिव है उसका कलर कैसा होगा, बॉर्डर कैसा होगा, इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। वैसे HTML में भी ये चीज़ सपोर्टेड है। HTML में क्या होता है अगर आपको याद हो, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। आप टैग पे स्टाइल एट्रीब्यूट डालते हो और फिर वहाँ पर आप जो भी स्टाइल है वो बताते हो, बट वो जनरली फॉलो प्रैक्टिस नहीं है। फॉलो प्रैक्टिस क्या है जो जनरली हम फॉलो करते हैं? हम CSS यूज़ करते हैं। CSS भी जो हम यूज़ करते हैं अलग फाइल्स में बनाते हैं। CSS का जो भी डेटा होता है, जो भी क्लासेस होती हैं, हम अलग फाइल में बनाते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे अलग फाइल में बनाने वाली भी, हम समझेंगे CSS के टाइप्स को, ठीक है? तो बेसिक से चलते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं बेसिक बिल्कुल 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 प्योर बेसिक बात करूं तो CSS का पर्पस क्या है, हमें क्यों चाहिए CSS, है ना? हमें पता होना चाहिए कि CSS क्यों चाहिए। नहीं पता तो फिर हमारे लिए कोई फायदा है ही? हम कितना भी किसी चीज को सीख लें अगर हमें ये नहीं पता कि उस चीज को लगाना कहाँ है तो इट्स यूजलेस, राइट? तो CSS के कुछ एडवांटेजेस को समझते हैं ओवर HTML स्टाइलिंग, है ना? HTML में भी हम स्टाइलिंग तो कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपका जो लुक एंड फील है पेज की, उस पर आप काम कर सकते हो। उस पर आप उसके बारे में, उसका लेआउट बनाना है या उसमें जो भी कलरिंग करनी है वो सब आप कर सकते हो, एक एडवांटेज वो है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है, एक तो आपका जो कोड है जिससे आपका पेज बन रहा है, और एक जो उसके लेआउटिंग है, जो उसकी स्टाइलिंग है, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसको आप HTML के कोड से बाहर कर सकते हो, है ना? तो मैं बताऊंगा कैसे बाहर कर सकते हो, बट एक्चुअल में CSS का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप स्टाइल को और HTML कोड को अलग अलग रख सकते हो, और अलग अलग रखने का अपना फायदा है, उसकी हम बात करेंगे क्या फायदा है, राइट? उसके अलावा आप देखो, जब HTML में आप कोड करोगे और CSS यूज करोगे तो आपको कम कोड लिखना पड़ेगा, तो रीयूजेबिलिटी है ना, बार बार आप यूज कर सकते हो। एक क्लास बना लो, बार बार यूज कर लो। अब क्लास क्या होती है उसकी बात करेंगे हम, है ना? क्लास क्या होती है या और क्या 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 तरीके हैं स्टाइल देने के, एक एक चीज की बात करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, है ना? बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक टैब आपके लिए ओपन करी हुई है, और यहाँ पे इस साइड पे मैंने एटम यूज किया है डेवलपमेंट के लिए। कौन सा यूज किया है? आईडी एटम। आईडी के बारे में याद है मैंने बताया था, किस लिए होता है? हम जो कोडिंग करेंगे उसको आसान बनाता है ना? कुछ कुछ सजेशन देगा, या कॉपी करना आसान है, डुप्लीकेट बनाना आसान है, वो सब। तो हम सबसे पहले एक फाइल बनाए, इसका नाम हम देते हैं चलो index.html। अच्छा चलो HTML देख लो, सजेशन मिल रहा है आपको, टैग का सजेशन मिल रहा था ना? तो एक HTML पेज का जो बेसिक टेम्पलेट है वो हम बना देते हैं। हेड टैग डाल देते हैं, ठीक है, बॉडी डाल देते हैं, ठीक है सर। अब हमने हेड बॉडी ये सब डाल दिया, और टाइटल डाल देते हैं, ठीक है। टाइटल में सपोज हम कहते हैं CSS प्रैक्टिस, ओके, और बॉडी में हम बिल्कुल बेसिक सा डालते हैं। इसको हम पीछे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा पीछे करते हैं, अब ठीक है, इसको भी पीछे करते हैं, इसको भी पीछे, है ना? हेड की सीध में डाल देते हैं इसको, ठीक है सर। यहाँ पे हम डालते हैं, सपोज हम डिव में लिखते हैं, एक डिव में लिखेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा CSS समझाना, तो डिव में लिखते हैं, है ना? डिव याद है ना क्या होता है? डिव सेक्शन सेक्शन बनाने के लिए, पेज पे आपको कोई भी सेक्शन बनाना है, इंडिपेंडेंट सेक्शन, तो आप डिव में बनाओ। और ये क्या होता है? ब्लॉक स्कोप्ड होता है। क्या होता है? ब्लॉक स्कोप्ड, मतलब जब भी आप एक डिव बनाओगे हमेशा न्यू लाइन पे जाता है बाय डिफॉल्ट, है ना?
न्यू लाइन मतलब अगली लाइन पर जाता है, राइट। तो ठीक है, हम एक डिव बनाते हैं सिंपल सिंपल, इसमें लिखते हैं क्या लिखते हैं, से हेलो वर्ल्ड, सी एस एस इज हेयर, ठीक है, सिंपल। अच्छा सर, सबसे पहला काम मैंने आपको एक सिंपल रूल समझाया था, याद है, कि थोड़ा सा लिखो उसको चलाओ, है ना, उसको चला के देखो। तो हम देखते हैं इसको, हम ब्राउजर से ओपन करते हैं, और यहाँ से नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे एक सर्च इन फोल्डर आ रहा है, तो सर्च इन फोल्डर करें, नहीं ठीक है, हमें सर्च नहीं करना, सॉरी, हमें इसको ओपन करना है, तो मैं देखता हूँ ओपन का ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है, नहीं, ओके, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हमें पता है हमने किस लोकेशन पे डाला है ना, तो हमने जिस लोकेशन पे डाला है उस लोकेशन से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब ये लोकेशन से मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया, अब समझते हैं सीएसएस के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ये तरीका बताया था, याद है, थोड़ा सा बताया था कि चलो मान लो मुझे बॉर्डर देना है ना, तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाके मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने कहा चलो लाल, है ना, रेड, इसको मैंने किया सेव। मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो देखो लाल बॉर्डर आ गया आपका, है ना। तो ये जो तरीका है इसको आप बोल सकते हो इनलाइन स्टाइलिंग, क्या बोल सकते हो, हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, इनलाइन का मतलब क्या होता है, भाई सेम लाइन पे हमने स्टाइल बता दिया है ना, तो ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइल। मैं बिल्कुल भी अभी स्टाइलिंग के जो बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ कि इनलाइन स्टाइल होता क्या है। तो एक टाइप जो है सीएसएस का वो है इनलाइन स्टाइलिंग। इस स्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ आपके लिए, वी अवॉइड इनलाइन स्टाइलिंग इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। क्यों अवॉइड करते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, क्योंकि यार वहां पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, या हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम एक एक चीज को रिपीट नहीं कर सकते, है ना, हम चाहेंगे कि हमें एक जगह बन के मिल जाए, हम फटाफट कॉपी पेस्ट है ना। जैसे मैंने बताया ना क्लास के बारे में बताया अभी, तो क्लास हम बताएंगे आगे कैसे यूज होती है। तो मैं मान लो मुझे कोई 10 जगह पे रेड देना हो बॉर्डर, तो मैं क्या बार बार कॉपी पेस्ट ही करता रहूंगा, नहीं ना, मेरे पास कुछ ऐसा हो आसान तरीका कि बॉर्डर आ जाए, अच्छा चलो बॉर्डर बॉर्डर भी हो तो मैं दे दूँ, बॉर्डर के अलावा मुझे 5 स्टाइल और डालने हैं, तो सबको मैं कैसे डालूंगा, राइट। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है अगले वाला स्टाइल, राइट। और दो हैं बेसिकली, दोनों में से भी जो मोस्ट प्रेफर्ड है उसकी हम बात करेंगे। एक तरीका क्या है, आप हेड में क्या दे सकते हो, स्टाइल टैग, ठीक है, इसने ऑटो सजेस्ट कर दिया, तो अपन क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, मीडिया वीडिया की सब बात बाद में करेंगे, हम हमारा मानना है हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, बेसिक, बेसिक आ गया तो एडवांस तो हम कर ही लेंगे, मुझे किसी चीज का मतलब समझ आ गया तो मैं उसके बारे में ढूंढ तो लूंगा ही ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम एक क्लास बनाने का तरीका समझते हैं ना, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से काम करना है, ठीक है, इस वाले तरीके से काम करना है, तो इधर से काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, राइट। तो उसमें जो समझने वाली सबसे पहली चीज है वो है क्लास एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग, एक टैग का क्लास एट्रीब्यूट। तो HTML में एक एट्रीब्यूट होता है क्लास नाम से, राइट, क्या नाम से, क्लास नाम से। वो जो क्लास नाम से एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट में आप क्लास का नाम बता सकते हो, राइट। स्टाइल देने के तरीके बहुत हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं, है ना, या उसका टैग का प्रॉपर नाम भी यूज करके आप स्टाइल दे सकते हो, बट अभी हम क्लास की बात करेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें आप क्लास का नाम बता सकते हो। अच्छा, क्लास अब हम बनाएंगे कैसे सीएसएस में, है ना, पहला क्वेश्चन यही है ना कि भाई बनाएं कैसे क्लास। तो क्लास बनाने के लिए सिंपल तरीका है, आप लगाते हो डॉट और इसके बाद बताते हो क्लास का नाम,
अब क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? तो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ टेस्ट हाइफन डिव, ठीक है सर? ये जो नाम है, ये जो मैं अभी हाईलाइट करता हूँ, ये जो नाम है ये आप बताओगे, राइट? डॉट लगा दिया तो समझो आपने क्लास बनाई है। क्या बनाई है? क्लास। क्लास तो हमने क्लास बनाई जिसका नाम क्या है? टेस्ट हाइफन डिव। टेस्ट हाइफन डिव। मैं कर्ली ब्रेस स्टार्ट करूंगा और एंड करूंगा, और इसकी बॉडी में है ना, इसकी बॉडी में अब मैं स्टाइल लिख सकता हूँ। तो जो मैंने यहां लिखा है, देखो मैं इसी को उठाऊंगा बॉर्डर को और यहां से कट करूंगा और यहां पे डाल दूंगा, ठीक है? और मैं इस स्टाइल को यहां से हटा दूंगा, ठीक है? और मान लो आपको थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए, सही से समझाने के लिए, ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, रेड की जगह ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई देखो पहले रेड कलर आया था, इस बार ग्रीन आया है ना। और हम यहाँ पे क्या करेंगे डिव में, हम बोलेंगे क्लास, ठीक है? देखो सजेशन दे रहा है, ये एटम है जो हम ये डेवलपमेंट टूल यूज कर रहे हैं, इसका नाम एटम है, राइट? और भी बहुत सारे टूल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं एटम यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है ना, लाइट वेट मतलब हल्का है यूज करने में, आपके सिस्टम को ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। तो क्लास का नाम क्या है हमारी? टेस्ट हाइफन डिव। इसको सेव करें, यहाँ पे चला के देखते हैं। आ गया, ग्रीन हो गया, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, थोड़ा सा दिखाने के लिए और क्लीन करने के लिए हम इसको 5 पिक्सल कर देते हैं, अब थोड़ा और ज्यादा साफ दिखेगा आपको, ग्रीन ही है ना। तो ये तरीका समझे, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इनलाइन वाला भी इंटरनली स्टाइल शीट है, लेकिन वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे है ना, डिव के अंदर। हम यहाँ पे जो स्टाइल दे रहे हैं, राइट, ये जो स्टाइल हम दे रहे हैं ये कहाँ पे दे रहे हैं? स्टाइल टैग के अंदर। वो टैग। अच्छा हाँ हाँ, ये टैग है ना, स्टाइल है ना, ये टैग है। देखो आपका ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल से ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे उसको हम बंद कर रहे हैं, राइट? चल, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है सर? ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। अभी हम बिल्कुल प्लेन बात कर रहे हैं, स्टाइल शीट है क्या, काम कैसे करती है ना, कैसे चलती है, क्या है ना, इसका टाइप क्या है, ये सब। फिर हम अभी डीप डाइव करेंगे प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब है कि मैं इसको भी बाहर निकाल दूं यहाँ से, इसको भी यहाँ भी ना रखूं, किसी बाहर की फाइल में रखूं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊं, सपोज मैं उसको बोलता हूँ स्टाइल्स, ठीक है? क्या बोला मैंने फोल्डर का नाम? स्टाइल्स। नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, याद है मैंने बताया कि भाई आपके ऊपर नाम देना। मैंने यहाँ पे कहा इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है? तो अब मेरे को एक्सटर्नलाइज करने के लिए मैं यूज करूंगा एक टैग होती है लिंक नाम से। क्या नाम है? लिंक। इस तरह से लिखते हैं लिंक रेल। देखो सजेस्ट कर रहा है रेल। रेल क्या बताओगे? स्टाइल शीट, क्योंकि हम स्टाइल शीट बताना चाह रहे हैं। देखो लास्ट में आ गया रेल, क्या बताएंगे हम? क्यों नहीं लिया इसने, स्टाइल शीट आ गया। और इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है एचरेफ। एचरेफ से हम बताते हैं पाथ, क्या बताते हैं? पाथ। और इसको हम इनलाइन क्लोज कर देंगे। इसको याद है मैंने बताया था एचटीएमएल में, इसको बोलते हैं टैग विदाउट बॉडी, राइट? अब मैं रिलेटिव पाथ दूंगा। रिलेटिव पाथ का मतलब जहां पे मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पड़ी हुई है, यहां से पाथ, यहां से फोल्डर का नाम क्या है? स्टाइल्स, राइट? और स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस, स्टाइल्स फोल्डर के अंदर सी एस एस फाइल है ना, राइट? अब मैं इस फाइल को ओपन करूं, ये साइड पे ओपन कर ली मैंने, अभी ये फाइल खाली है ना, तो अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं इसको यहां से हटाऊंगा, ठीक है? और इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस में ऐसे डाल दूंगा, और ये टैग की अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं इसको अब सेव करूंगा क्लियर दिखाने के लिए कि भाई हमने काम सही करा है। मैं इसके कलर को ग्रीन ना करके अब मैं कुछ और कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं, ठीक है जी?
चेक करें कि हमारा ये जो हमने एक्सटर्नलाइज किया है स्टाइल को बाहर निकाला है HTML फाइल से, क्या वो सही चल रहा है? सही चल रहा है? अंकल इसको लिखेंगे किसके स्कॉच किस कहाँ पे? हाँ, क्या क्वेश्चन है? ये इनलाइन जो टैग्स वो है प्रॉपर्टी की, वो लिखेंगे कहाँ पे? ये जो है? हाँ, नहीं हाँ, हेड में, हेड के ऊपर, हेड के अंदर। आप देखो ना, हेड टैग के अंदर ज्यादातर जो चीजें जिनको हमें बॉडी टैग, बॉडी के अंदर नहीं दिखाना, बॉडी मतलब ये वाइट एरिया, वो हेड में जाती है या ऊपर रहती है बाहर HTML से। क्लियर? कहाँ रहती है? या तो हेड में या बाहर। ठीक है, टाइटल आपको पता ही है टाइटल का क्या काम है, देखो ऊपर CSS प्रैक्टिस लिखा रहा है ना। तो अब आप समझ गए ये टैग कहाँ पे आएगी, लिंक वाली हेड में देते हैं हम जनरली, है ना। ठीक है, HTML की खास बात क्या है कि आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, पेज चलेगा, लेकिन बिहेवियर शायद अलग हो। तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे होंगे, है ना, जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, कंपनी यूज़ करती है इन चीज़ों को, है ना। हम तो उनकी बात करेंगे ना, हम क्यों एक बैड प्रैक्टिस की बात करें, है ना। अच्छी चीज़ों को पहले सीख के चलते हैं ना, जो सही चीज़ें। ठीक है, तो हम लिंक टैग कहाँ पर देंगे? हेड के अंदर। क्लियर? वेरी क्लियर। क्लियर है एक्सटर्नलाइज कैसे करते हैं? हमने आपको दिखाने के लिए हमने कलर भी चेंज कर दिया था कि भाई ठीक है, हम कोई फिशिंग नहीं कर रहे हैं कि कहीं आपको ऐसी बहका रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके सामने ये चीज़ें हैं ना, आपको समझ आ रहा है, बहुत आसान है। क्लियर है? तो क्या क्या तीन टाइप बताए हमने? सबसे पहला इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा इंटरनल। इनलाइन स्टाइल शीट इंटरनल स्टाइल शीट का ही एक तरीका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो तरीके दो ही हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दो हैं, इनलाइन या फिर एक ये वाला आप जो स्टाइल से देते हो ना, अब यहाँ पे तो है नहीं, वो स्टाइल से जो देते हैं, राइट? तो इंटरनल, हाँ वो भी इंटरनल है, इनलाइन वाला भी इंटरनल है, ये वाला एक्सटर्नल है। सॉरी, मैं वही तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो हम स्टाइल लिखते हैं टैग, कहने का मतलब ये था मेरा, यहाँ पे जो हम स्टाइल टैग लिखते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंटरनल है, ये तो एक्सटर्नल है, ये जो है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ये हमने बात कर ली CSS के टाइप्स के बारे में, बेस्ड ऑन कि आप CSS कहाँ पे ऐड कर रहे हो, है ना। CSS कहाँ पे ऐड की जा रही है उसके हिसाब से हमने बात कर ली कि वो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। इंटरनल में भी इनलाइन होगी या हेड वाला वो होगी इंटरनल, है ना। ठीक है, ओके गाइस।